हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। क्रेडो ब्रांड मार्केटिंग लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग आज से हो चुकी है। मुफ्ती मेंस वियर आईपीओ, इसकी ओपनिंग आज से हो चुकी है। क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? इस आईपीओ के लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है, निगेटिव पॉइंट क्या है? इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है एंड इसकी बिजनेस मॉडल क्या है? इसकी जीएमपी कितना है? इसमें हमें लिस्टिंग गेन कितना मिलने वाला है? इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। इस आईपीओ की ओपनिंग आज हो चुकी है ट्यूजडे से 19 दिसंबर को, क्लोजिंग थर्सडे को 21 दिसंबर को है। रिफंडेड अलॉटमेंट डेट 22 दिसंबर फ्राइडे को है, रिफंडेड डेट 26 दिसंबर ट्यूजडे को है, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 26 दिसंबर ट्यूजडे को है, लिस्टिंग गेन वेडनेसडे 27 दिसंबर को है, लास्ट इसमें पेमेंट का समय जो दिया गया 21 दिसंबर को 5 बजे तक इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर, प्राइस बैंड 266 से 280 रूपये पर शेयर, लॉट साइज 53 शेयर, यानी कि एक लॉट परचेज करेंगे तो 53 शेयर आपको मिलेंगे। टोटल इश्यू साइज 549.78 करोड़ की है, ऑफर फॉर सेल 549.78 करोड़ की है और ये पूरा का पूरा निगेटिव है इस आईपीओ के लिए, क्योंकि जितना भी आईपीओ है पूरा इश्यू साइज ऑफर फॉर सेल है, यानी कि यहां से कंपनी अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहती है, प्रॉफिट बुक करके यहां पर निकलना चाहती है। इसकी लिस्टिंग दोनों जगह होने वाली है, बीएससी एंड एनएससी दोनों जगह पर होने वाली है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए जो कोटा का रिजर्वेशन है 35% का रिजर्वेशन है, नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के लिए 15% का, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 20% का एंड एंकर इन्वेस्टर के लिए 30% का कोटा रिजर्व किया गया है। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹14,840 है, रिटेल कैटेगरी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹1,92,920 है, इससे चेन्नई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹2,07,760 है एंड इससे चेन्नई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹9,94,280 है। बीएचएनए कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹10,09,120। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, क्या है इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट। यहाँ पर देखेंगे तो 2021 में इसे 3.44 करोड़ की प्रॉफिट हुई थी, जो कि 2022 में लगभग यहाँ पर 11 गुना बढ़ चुका, 35.74 करोड़ की प्रॉफिट हुई। और 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली में यहाँ पर देखेंगे तो 77.51 करोड़ की प्रॉफिट है, यानी कि 2021 से लेकर के 23 के बीच में 25 गुना इसकी प्रॉफिट में वृद्धि देखने के लिए मिला, बहुत ही जबरदस्त है, मल्टीप्लाई हो चुका 25 गुना सीधे इसकी प्रॉफिट में वृद्धि देखने के लिए मिला। रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छा ग्रो किया है, 2021 में 261.15 करोड़ थी और 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली में 509.32 करोड़ हो गए, यानी कि यहां पर भी दुगना से भी ज्यादा हो चुका। और एसेट बात करें तो एसेट भी यहां पर बहुत अच्छा ग्रो किया है, 416.99 करोड़ थी 2021 में एंड 2023 में 576.48 करोड़ है। नेटवर्थ भी बहुत अच्छा ग्रो किया है, 2021 में 92.33 करोड़ थी 2021 में एंड 2023 में 281.35 करोड़ हो गई, सेकंड क्वार्टरली में 289.88 करोड़ है। तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही मजबूत स्थिति में है, वित्तीय प्रदर्शन बहुत ही शानदार है, पीई 23.22 है, पोस्ट पीई 23.23 है, मार्केट कैप 1845 करोड़ की है, आरओई 29.98% के है, आरओसीई 28.16% के है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 29.98% की है। तो रिटर्न ऑफ नेटवर्थ भी अच्छा है, आरओई भी अच्छा है, आरओसीई भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, जबरदस्त है इसकी वित्तीय प्रदर्शन। अब हम लोग इसकी बिजनेस मॉडल की बात करें तो क्रेडो ब्रांड की इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1999 में, क्रेडो ब्रांड की इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और ये अपने ब्रांड मुफ्ती के तहत अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। क्रेडो ब्रांड के पास 25 साल का अनुभव है, 25 साल पहले इसने मुफ्ती नाम की ब्रांड को लॉन्च किया था जिसमें टी शर्ट और शर्ट बनाता था, लेकिन अब इसके पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा उत्पाद बढ़ चुके हैं। ये कैजुअल प्रोडक्ट्स लेकर के हर मौसम का ये प्रोडक्ट्स बनाती है, हर मौसम का इसके पास प्रोडक्ट्स उपलब्ध है
अभी इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स बढ़ चुके हैं, उत्पाद बढ़ चुके हैं। स्वेट शर्ट, जीन्स, कार्गो, चिनोस, जैकेट, ब्लेजर और स्वेटर सहित कई उत्पाद इसके पोर्टफोलियो में शामिल हो चुके हैं। अभी इसके पास पूरे भारत में 1773 खुदरा दुकानें हैं, जो 1773 खुदरा दुकानें हैं जिसके माध्यम से अपने उत्पाद को बेचता है। 379 एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर हैं, 89 बड़े फॉर्मेट स्टोर हैं और 1305 मल्टी ब्रांडेड स्टोर शामिल हैं। अभी कंपनी के पास 1348 से अधिक डिजाइन बन चुके हैं और एक कंपनी पुरुषों प्रधान के बाजार में इसकी जो स्थिति है, हिस्सेदारी है, 45% इसकी हिस्सेदारी है। जितने भी इस फील्ड की कंपनियां हैं, जितने भी इसके कंपटीटर हैं, उन सब में इसका 45% की हिस्सा है, बाजार की हिस्सेदारी 45% की है। खास करके पुरुषों के लिए परिधान बनाता है, पुरुषों के लिए कपड़ा बनाता है और अभी इसकी उपस्थिति 591 शहरों में है और इसके पास 224 कर्मचारी भी हैं। अभी इसकी इस कंपनी में खुद का ऑनलाइन वेबसाइट भी है जिसके माध्यम से ये ऑनलाइन भी अपना उत्पाद बेचता है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफी यूनिक है। इसका बिजनेस काफी ब्रॉडेड हो चुकी है, लगभग 591 शहरों में फैला हुआ है भारत में और इसके पास लगभग 1773 खुदरा दुकानें हैं और इसके पास ऑनलाइन वेबसाइट भी है जिसके माध्यम से ये ऑनलाइन भी अपना उत्पाद बेचता है। पहले ये सिर्फ शर्ट और टी शर्ट ही बनाता था, लेकिन अब इसके प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स शामिल हो चुके हैं। इसके उत्पाद श्रेणी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स शामिल हो चुके हैं पोर्टफोलियो में। स्वेटर हो गया, जीन्स हो गया, जैकेट हो गया, ब्लेजर हो गया, बहुत सारे उत्पाद इसके पोर्टफोलियो में शामिल हो चुके हैं। तो इसका बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसकी बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है एंड इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बहुत अच्छा है, वित्तीय प्रदर्शन बहुत ही शानदार है। जिस तरीके से आज के समय में कैजुअल ड्रेसेज ज्यादा मांग हो रही है और ये कैजुअल ड्रेसेज पर ज्यादा ध्यान देती है, कैजुअल ड्रेस का ज्यादा ये उत्पादन करती है और निर्यात भी करती है। तो इसका बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छा है। अब हम लोग इसकी जीएमपी देखेंगे, जीएमपी कितना है। 15 दिसंबर को इसकी जीएमपी की ओपनिंग हुई थी 123 रुपए पर, जो कि 43.93% प्रीमियम के साथ इसकी जीएमपी की ओपनिंग हुई थी। इसकी जीएमपी में लगातार वृद्धि देखने के लिए मिला। आज इसकी जीएमपी 136 रुपए पर ट्रेड कर रही है, यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में इसका प्राइस 416 रुपए चल रहे है, जो कि अभी 48.57% की प्रॉफिट दे रही है। अनलिस्टेड मार्केट में ये अभी निवेशकों की 48.47% की वृद्धि दे रही है, प्रॉफिट दे रही है। अपने निवेशकों को लगभग 7200 रुपए की प्रॉफिट दे रही है आज के डेट में। अभी इसमें सब्सक्रिप्शन बाकी है, आज ही इसकी ओपनिंग हुई है, 21 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग है। 3 दिन समय दिया गया है अप्लाई करने के लिए, तो इसमें बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन स्टेटस जाने वाला है। मे भी इसकी जीएमपी में और उछाल देखने के लिए मिलेगा, बेहतर इसकी जीएमपी में उछाल देखने के लिए मिलेगा, बेहतर लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन जाने वाला है। इसकी जीएमपी का क्या हम लोग 50% के ऊपर ही लगा सकते हैं, 50% प्रीमियम के ऊपर ही इसकी लिस्टिंग होने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये आईपीओ एक कंपनी बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के समय में काफी ज्यादा इस तरीके के परिधान का मांग है और अत्याधुनिक परिधान को ये बनाता है जिसका आज काफी ज्यादा डिमांड है, डिमांडेबल वर्क करती है। तो इसमें निवेश करना हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाली हूँ, ये मेरा पर्सनली रिसर्च है, एनालिसिस है। आईपीओ अप्लाई करने से पहले खुद की रिसर्च, खुद की एनालिसिस जरूरत होती है, तो खुद की एनालिसिस एंड रिसर्च पर ही आईपीओ में अप्लाई करें, अपना पैसा निवेश करें। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। जिस समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।